Assalamualaikum, Dr. Anjum. आवाज अब आई आवाज आपको? आ रही है बल्कि। हाँ Can you hear me right now? आवाज इसमें नहीं आ रही माइक पे। बेटे आवाज आ रही है आपकी। आ रही है? ठीक है, कैसे आप? माइक पे नहीं है नहीं, इसमें है कि आई थिंक आवाज का इश्यू है। जी बेटे। मेरी आवाज अब आपको आ रही है? आपकी आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, कैसे हैं आप डॉक्टर अंजुम? मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्लो है। अच्छा, हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अंजुम। आई थिंक उनका थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो रहा है। ही इज़ बेसिकली अ मेटलर्जिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, एंड आज हम उनके साथ सेशन करेंगे। होपफुली ही विल बी एबल टू जॉइन अस इन अ फ्यू मिनट्स। सो थैंक यू एवरी वन फॉर बींग पेशेंट। मैंने कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी देखी है। दे वर आस्किंग अस टू डू सेशंस विद डिफरेंट पीपल सच एज अ डॉक्टर। अगर आप लोगों की कोई भी रिक्वेस्ट है, एज इन यू गाइज वांट अस टू डू अ सेशन विद समवन फ्रॉम अ सर्टेन प्रोफेशन, तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एट आवर इनबॉक्स, एंड हम इंशाल्लाह वो मेंटर अरेंज भी कर देंगे उस प्रोफेशन से। ओके, आई थिंक देयर जॉइनिंग इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अंजुम। बेटे ये हाँ वालेकुम सलाम बेटे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन मेरा फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक थोड़ी देर तक जाती है। मैंने ऑडियंस को आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया। आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू एज समवन हु इज़ करंटली अ प्रोफेसर जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहे हैं, एंड यू आर बेसिकली अ मेटलर्जिस्ट। सो आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सबके जहन में आता है वो ये है कि मेटलर्जिस्ट कौन होता है, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन। बेटे जिस वक्त मैंने मेटलर्जी पढ़ी थी उस वक्त और आज की मेटलर्जी में काफी डिफरेंस है। उस वक्त मेटलर्जी वाज अ पर्सन डीलिंग विद मेटल्स एंड एलॉयज, यानी जितनी जितनी हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है इसमें हर चीज हर इक्विपमेंट किसी न किसी मेटल या किसी एलॉय से बना हुआ होता है।
और इन एलॉयज और इन मेटल्स का इल्म इज मेटलर्जी। टुडे मेटलर्जी इज पार्ट ऑफ मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस इज ए ब्रॉडर टर्म जिसमें मेटलर्जी भी आती है, और मेटलर्जी के अलावा भी जो अब रिसेंटली मटेरियल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एज इंजीनियरिंग मटेरियल्स, वो भी शामिल होते हैं। अच्छा, सही है। तो आपने एजुकेशन बेसिकली क्या हासिल की थी इस फील्ड में जाने के लिए? बेटे मेरा मेरा बैचलर्स और मेरा मास्टर्स दोनों मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में थे, फ्रॉम मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील एंड अलॉयज, और एट दैट टाइम इट वाज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। दैट वाज इन इन 70s, फ्रॉम 74 to 80। तो ये 6 साल मेरी जो एजुकेशन थी ये थी बेसिक मेटलर्जी की। तो डिड माय मास्टर्स फ्रॉम मॉस्को इंस्टीट्यूट, और उसके बाद मेरी पीएचडी थी इन मेटलर्जी, और दैट वाज फ्रॉम यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट। ठीक है। तो आपने जिक्र किया कि जो पहले मेटलर्जी होती थी और आज की जो मेटलर्जी है, द फील्ड इज बेसिकली डिफरेंट। तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा एलाबोरेट करें कि अब क्या डिफरेंस है इस फील्ड में कंपेयर टू द प्रीवियस। ब्रॉडली स्पीकिंग मटेरियल साइंस इज डिवाइडेड इन 3 सेगमेंट्स, मेटलर्जी, ये मेटल्स एंड ऑल एलॉयज, पॉलीमर्स एंड सेरामिक्स, एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज थ्री विच आर द कॉम्पोजिट्स। तो दैट इज मटेरियल साइंस। सो दिस इज डेफिनेशन इन द बुक। जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, के इस वक्त दुनिया में जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं उनमें से कौन से कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं या इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मोर देन 80% आर स्टील्स विच आर मेटल्स, एंड अनदर 4% आर एलॉयज एंड मेटल्स अदर देन स्टील्स। तो जो बाकी इमर्जिंग फील्ड्स हैं, लेकिन मेटलर्जी स्टिल डोमिनेट्स मटेरियल साइंस। तो आपने जिक्र किया कि देर आर डिफरेंट फील्ड्स, फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर्स, तो इनकी एप्लीकेशन क्या है? सवाल फिर से क्लियर कीजिए, लोकेशन क्या है? नहीं, एप्लीकेशन। यू यू सेड दैट देर आर एप्लीकेशन, डिफरेंट। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इनकी, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग मटेरियल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग मटेरियल्स। सेरामिक्स फॉर एग्जांपल बहुत पहले घर बनाने के भी इस्तेमाल में आते थे। कॉम्पोजिट्स, बांस या बैम्बू इज ए कॉम्पोजिट, गन्ना इज ए कॉम्पोजिट। लेकिन हम बात इन जनरल मटेरियल्स की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स की, कि जिन चीजों की एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में है। तो पॉलीमर्स की एप्लीकेशन केमिकल इंडस्ट्री में है, मतलब उसूलन तो इंजीनियरिंग में हर जगह है, इंजीनियरिंग में उसूलन हर जगह है। अब जो हवाई जहाजों की जो बॉडीज हैं, जो उनका स्ट्रक्चर है, आउटर बॉडी, वो ट्रेडिशनली बन रही है एल्यूमिनियम एलॉयज की, क्योंकि हल्के होने चाहिए। हवाई जहाज ने न सिर्फ मुसाफिरों का वजन लेके उड़ना है, बल्कि अपना भी वजन लेके उड़ना है, और हर वजन जो लेके उड़ेगा उसके अगेंस्ट पेट्रोल खर्च होना है। तो वजन जितना मुसाफिरों के अलावा कम होगा, उतना पेट्रोल कम खर्च होगा, उतना टिकट सस्ता होगा। तो दिस इज ए कॉम्पिटेटिव फील्ड, कि हम ऐसे मटेरियल्स डिवाइस कर सकें फॉर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जिनका कि स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो अच्छा हो, ज्यादा हो, स्ट्रेंथ ज्यादा हो, वजन कम हो। सही बात तो कॉम्पोजिट्स की, कॉम्पोजिट मींस यहाँ पर कि पॉलीमर बेस्ड कॉम्पोजिट्स, तो उनकी एप्लीकेशन एरोस्पेस इंडस्ट्री में है बहुत ज्यादा, उसके अलावा भी है। आप जिक्र करें कि इट्स बेसिकली इंजीनियरिंग। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एन इंजीनियर एंड अ मेटलर्जिस्ट? मेटलर्जिस्ट देखें, जो 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 अगर बाय डेफिनेशन चलेंगे तो मेटलर्जिस्ट मींस, अगर हम कहेंगे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या कहेंगे मेटलर्जी, तो स्लाइटली देर इज अ डिफरेंस। जब हम किसी लफ्ज के साथ इंजीनियरिंग लगा देते हैं तो उसका मतलब ये है कि अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक है फिजिक्स, एक है अप्लाइड फिजिक्स।
तो फिजिक्स बेसिक सब्जेक्ट है और अप्लाइड फिजिक्स फिजिक्स की एप्लीकेशंस है। तो सेम इज ट्रू, लेकिन ये टर्म्स मेरे ख्याल है इतना इतना बाय डेफिनेशन नहीं चलती, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती हैं, मेटलर्जी और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। और बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की बहुत सी फील्ड्स हैं, मैकेनिकल है, केमिकल है, सिविल है, जो पॉपुलर इंजीनियरिंग है पाकिस्तान में, उसके बाद उसके अलावा भी हैं। तो जो मेटलर्जी है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, इट इज मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। अच्छा ठीक जो है, डिग्री मिलती है वो इंजीनियरिंग की मिलती है, पढ़ाई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। अच्छा, तो आपने आपने बेसिकली अपना बैचलर्स बाहर से किया, आपने अपना मास्टर्स भी PhD आई थिंक आपने USA से किया, तो जी आर देयर बेटे, एनी यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान जो कि ये डिग्रीज ऑफर कर रही हो? जी बेटे, अब जो जाहिर है कि आज से 40 साल पहले जिस जमाने में मेरी बेसिक एजुकेशन हुई है और आज जमीन आसमान का फर्क है। उस जमाने में जब मैंने शुरू की थी पढ़नी, तो पाकिस्तान में 3 जगह ऑफर होती थी, यूटी लाहौर में, मेहरान यूनिवर्सिटी में और दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज कराची में। ये 40 साल पहले की बात है। और आज ये इस्लामाबाद में कई जगहों पे ऑफर हो रही है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जहां मैं पढ़ाता हूँ, वहां पे ये ऑफर हो रही है, विद स्ट्रॉन्ग ग्रुप। और नस में ऑफर हो रही है, प्यास में ऑफर हो रही है। और उसके अलावा भी, एक तो ये है ना कि मेटलर्जी एज ए डिग्री लेना, दूसरा ये मेटलर्जी एज ए सब्जेक्ट पढ़ना। तो एज ए सब्जेक्ट तो ये बहुत सी और इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है, अच्छा GIK में, गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है, तो UET में। ये जाहिर है कि वन ऑफ द मोस्ट, ये एक पुरानी पुरानी ट्रेडिशन है उनकी, इसको पढ़ाने की, इन डिफरेंट कैंपसेस लाहौर में। इसके अलावा भी कई जगह पढ़ाई जा रही है। कराची में अब NED में मटेरियल साइंस का भी डिपार्टमेंट अलग है और मेटलर्जी का अलग है। ठीक। अच्छा, तो आप इस फील्ड में गए क्यों थे? आपको शौक था, इंटरेस्ट था, या जबरदस्ती गए? व्हाट वाज द रीजन? बेटे मेरी तो सच्ची बात यह है कि हम कैरियर कैरियर प्लानिंग के बारे में हम आजकल के बच्चों के मुकाबले में काफी इग्नोरेंट थे। मतलब जिस जमाने में मैंने इंटर करके और मैं अप्लाई कर रहा था, तो मेरे जहन में ये था, उस जमाने में अपोलो मिशन जा रहे थे, तो उस जमाने में मेरा कॉन्सेप्ट ये था, या अंडरस्टैंडिंग ये थी, ये मिस अंडरस्टैंडिंग ये थी रादर, कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स करता है वो चांद पे पहुंच जाता है। तो वो हमने उस वक्त इसी इसी चक्कर में इलेक्ट्रॉनिक्स ले ली। सिंस आई अच्छा बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, और रादर ए मिडिल लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे लिए जॉब वॉज एन नेसेसिटी। तो उस वक्त कराची में स्टील मिल लग रहा था, विद रशियन कोलैबोरेशन, पाकिस्तान स्टील मिल्स, और एकदम से ओपनिंग आई। तो हालत ये थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे लोग, वो एक एक दो दो साल से बेरोजगार थे, और मेटलर्जिस्ट अभी थर्ड ईयर ही कर रहे थे कि उनको जॉब मिल रही थी। यानी उन्होंने अभी 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 थर्ड ईयर नहीं, सॉरी, फाइनल ईयर में थर्ड ईयर किया था, कि उनको प्रिंसिपल से लेटर मिलता था कि ये, मतलब इसका जो कैरियर है वो ऐसा है कि ही विल पास इन फर्स्ट डिविजन, और उस पर उनको टेंटेटिव एडमिशन नौकरी मिल जाती थी, ऑफर आ जाती थी। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का इरादा छोड़ के मैंने मेटलर्जी ज्वाइन कर ली। दैट वाज इन दैट टाइम एटलीस्ट वाज अ कंपल्शन। बट नाउ आई थिंक कि वो जिस दिन भी हालात ने धक्का दिया था, आई फील माई सेल्फ अ वेरी 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 सक्सेसफुल, एंड मतलब कि अल्लाह ताला ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी कि जो जिस पे मैं शुक्र करूं जितना कम है। मतलब मेरा कैरियर वाइज आई स्पेंड अ वेरी रिच टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ मेटलर्जी। तो आपकी यू यू मेंशन कि आपको वैसे शौक था चांद पे जाने का, तो अगर आपको पता होता कि कौन सी फील्ड थी जिससे मैं इस एरिया में जा सकता हूँ, वुड यू चूज दैट फील्ड, कीपिंग इन माइंड योर फाइनेंशियल पोजिशन वॉज स्ट्रॉन्ग, अदर फैक्टर्स वर परफेक्टली फाइन? मेरा ख्याल से लाइल्मी में डिसीजन लेता तो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता, क्योंकि उस वक्त कराची में, मैं मेरी तालीम कराची की है, तो उस वक्त कराची में जो ऑफर हो रही थी फील्ड्स, वो यही थी, लिमिटेड थी, बट नॉट टुडे।
नॉट टुडे। आज तो एक एक ह्यूज स्पेक्ट्रम है कैरियर ओपनिंग्स का बच्चों के लिए, तो आज की सिचुएशन इज मच डिफरेंट। अच्छा, तो ये इस फील्ड में किस किस्म की जॉब्स मिलती हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में? बेटे देर इज अ वाइड स्पेक्ट्रम, देर इज अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम। जब जैसे आपने शुरू में ही सवाल कर लिया था, इट वॉज वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि ये होती क्या है। तो अगर अगर ये इस चीज की बुनियाद है इंजीनियरिंग की, अगर इंजीनियरिंग जहां चाहे जो एक बने, जो प्लांट बने, वो उसने किसी मटेरियल से तो बनना है। अगर उसने किसी मटेरियल से बनना है तो मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग इज मेटलर्जी या मटेरियल साइंस, मोर इन ए मोर ब्रॉडर टर्म। तो इसकी एप्लीकेशन अब किसी भी बड़े कॉम्प्लेक्स में, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में है। मतलब अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो से सबसे पहले देखें, तो पाकिस्तान में वी कैन डिवाइड एप्लीकेशंस ऑफ मेटलर्जी इन डिफरेंट सेगमेंट्स। सबसे पहले तो वो इदारे यहाँ पे जो कि मटेरियल्स को बनाते हैं और उसको शक्ल देते हैं। बनाने का मतलब ये कि मैं लोहे को लूं, आयरन को लूं, निकल को लूं, क्रोमियम को लूं, ये एलिमेंट्स हैं, इनको लो के लेकर मैं इनको पिघलाऊं तो मैं स्टेनलेस स्टील बना लूंगा। स्टेनलेस स्टील मेरे पास एज ए मेटल आएगा, अभी उसको पाइप की या शीट की या रॉड की मैंने शक्ल देनी है। दैट इज शेपिंग। एक है एलॉय मेकिंग, एक है शेपिंग। तो पाकिस्तान में जो प्लांट्स एलॉय मेकिंग एंड शेपिंग, नॉर्मली जो बनाता है एलॉय वो शेप भी देता है। जो ये करते हैं काम, एक तो वो इंडस्ट्री है बड़े स्पेक्ट्रम पे, और जो बल्क मटेरियल बनाने में पाकिस्तान स्टील फॉर एग्जाम्पल, स्पेशल मटेरियल्स बनाने में पीपल्स स्टील मिल्स कराची, और उसके अलावा और बहुत से स्टील पाकिस्तान लाहौर में है, गुजरावाला में, कराची में, गुजरात में, वो छोटे पैमाने पे बनाते हैं छोटी पर्पजेस के लिए। तो एक तो ये है कि मेकिंग द मटेरियल एंड शेपिंग इट। उसके बाद ये है कि एक दफा मटेरियल को रॉड की शक्ल या मटेरियल को शीट की शक्ल या प्लेट की शक्ल मिल गई, तो अब इससे फैब्रिकेशन करना, इससे हमने कन्वर्ट करना है इसको किसी कंपोनेंट में, या इसको पिघला के इसको किसी, जैसे कुल्फी को हम जमाते हैं के लिक्विड लेकर और उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू सॉलिड, जिसको हम कास्टिंग कहते हैं मेटलर्जी में। तो कास्ट कंपोनेंट्स बनाना, तो जो ये वाले काम है, जो ये रिलेटिवली एक सेकेंडरी स्टेप है मटेरियल साइंस की एप्लीकेशन का, तो ऐसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है। पंजाब में बहुत बड़ी है, गुजरावाला में, गुजरात में, खुदरावलपिंडी में ऐसे सेटअप्स हैं, ज़ारे लाहौर कराची बहुत बड़ी मार्केट है। तो एक ह्यूज स्पेक्ट्रम ये है। उसके बाद वो इंडस्ट्री आती है जो कि बेसिकली वो मटेरियल को ना बनाती है ना शक्ल देती है, सिर्फ इस्तेमाल करती है, लाइक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। अब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अगर जंग लग रहा है पाइप्स को, तो देन दे हैव टू गो टू ए मेटलर्जिस्ट। एरोस्पेस इंडस्ट्री, अब जहाज हैं, जहाज में प्रॉब्लम आते हैं, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस होती है, टरबाइन है। जहाजों के जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि जहाज कुछ घंटे फ्लाई करते हैं, फ्लाई करने के बाद क्रिटिकल कंपोनेंट्स को उनके इंस्पेक्ट किया जाता है, फिर उनकी रिपेयर होती है। तो रिपेयर मेंटेनेंस किस चीज की है? बेसिकली मटेरियल की है, कि हमने मटेरियल को अनडिजायरेबल रिमूव करना है, उसमें क्रैक्स उनको जोड़ना है, दिस इज मेटलर्जी। तो जहां रिपेयर मेंटेनेंस है, देयर मेटलर्जी कम्स। उसके बाद अगर मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना, जिसको हम कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो एक ह्यूज इंडस्ट्री है जो नॉर्मली वेल्डिंग के साथ चलती है, कि चीजों को जोड़ना और फिर देखना कि सही जुड़े या नहीं जुड़े। तो एक ह्यूज इंडस्ट्री है यहाँ पे, जहाँ पे कि न सिर्फ ये कि कोई ये एक बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पैमाने पे भी है, बल्कि छोटे इंडस्ट्रियल पैमाने पे भी, या यानी सेल्फ एंटरप्रेन्योर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो टुडे मटेरियल इज ह्यूज ह्यूज। अब तो कोई इमेजिन करना मुश्किल है वो इंडस्ट्री जहां पर कि ये चीज हो ना। क्योंकि अगर आपके घर में जंग लग रहा है चीजों को, तो प्रॉबली अंडरस्टैंडिंग ऑफ 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 करोशन एंड करोजन प्रोटेक्शन विल हेल्प यू। ठीक है, जो जहाज चल रहे हैं, जो जहाज पानी के चल रहे हैं, पानी के जहाजों में अनफॉर्चुनेटली जो कराची का सी शोर है वो बहुत कंटेमिनेटेड है, वेस्ट वार्फ वगैरह,
तो वहां उनके हाल को बहुत जंग लगता है, तो उन जंग की प्रोटेक्शन, कि उसको हम एनोडिक प्रोटेक्शन कैसे करें, तो उसके लिए एनोड किस मटेरियल का हो, कैसे बनाना हो, कैसे जोड़ना हो, दिस इज ऑल मेटलर्जी। ठीक, आपने ठीक है, शुरू में मिसाल दी थी कि व्हाट वन एरिया ऑफ मेटलर्जी इज कि आपने ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं मेटल के ताकि लाइटर वेट मटेरियल प्रोड्यूस कर सकें, तो इसकी रिसर्च में भी एप्लीकेशन है फिर इस फील्ड की? बिल्कुल बेटे, बिल्कुल बेटे। नॉर्मली जो मैं अगेन पाकिस्तान के, दुनिया में तो बहुत है, मैं पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करूंगा कि रिसर्च भी पाकिस्तान, एक है रिसर्च, एक है डेवलपमेंट। नॉर्मली टर्म इस्तेमाल होती है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। और ये मिलके टर्म चलती है, यानी फर्ज करें कि मैं एक चीज इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं वक्त के साथ साथ देखता हूँ कि उसमें बेहतरी आ सकती है, तो दैट इज पार्ट ऑफ R&D। मैं एक बड़ी आम सी मिसाल लेके समझने की कोशिश करें कि घर में आप कोई खाना पका रहे हैं और आपने देखा कि इसमें मैं फला इंग्रेडिएंट ऐड कर दूं या फला मैं देर से डालूं तो उसके टेस्ट में फर्क आ, दैट इज R&D। ये जो जो रनिंग इंडस्ट्री होती है जिसमें आती है, इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करके वो चीज बेचती है प्रोडक्ट में, मैं कोई कोई अगर वेरिएशन आती है तो उसने अपने प्रोसेस में वेरिएशन करनी है, प्रोसेस में वेरिएशन करनी है अगर, तो इट इन्वॉल्व्स R&D, ठीक है ना। तो इस पैमाने की R&D तो हर एक लाइवली और बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल है। मिसाल के तौर पे HMC है, अब HMC के अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो अगर वहां पर शुगर मिल को बना, इट वॉज इंडस्ट्री विच वॉज मेकिंग इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चर करती थी, तो वो अब वहां पर अगर कोई नया कंपोनेंट आता है तो उसकी उसके उसकी प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप करना, दिस इज R&D। जो हमारे पाकिस्तान के, मैं इनका जिक्र सबसे आखिर में करता कि स्ट्रेटेजिक इदारे हैं, इस वक्त हाई लेवल ऑफ R&D इज गोइंग ऑन दीज इन दीज ऑर्गेनाइजेशन। उसकी कुछ वजह तो ये जो मैंने कि हर एक 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 फ्लरिशिंग इंडस्ट्री में, एक रनिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आते हैं, उनका सोल्यूशन इज R&D, और उससे कहीं ज्यादा रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज और थोड़ी सिर्फ सी हम कट रही जैसे नहीं, साउथ आई मिस्ड व्हाट यू सेड। है। आपकी आवाज बस थोड़ी सी कट रही थी, आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन कट गया था बीच में। जो दीदी थिंक डॉक्टर अंजुम का कनेक्शन वीक है। अच्छा, आई कैन हियर यू। तो अभी अभी भी आवाज काट रही है डॉक्टर अंजुम। मे बी अगर आप लॉग आउट करके दोबारा रिज्वाइन करें तो हो सकता है बेहतर हो जाए। मैं डॉक्टर अंजुम को दोबारा ऐड करती हूँ। गिव मी अ सेकंड गाइस। He's having internet connection issues. If anyone has any sort of questions, metallurgy related, you guys can
put them in the chat box. Ji, assalamu alaikum, Dr. Anjum. I think we are back now. Yes, I can hear you. जी बेटे, हाँ जी, तो वी हैव अ क्वेश्चन हियर. किसी ने पूछा है कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी है इंडस्ट्री. अभी अभी थोड़ी देर पहले आया ये क्वेश्चन मेटलर्जी की. बेटे कितनी बड़ी इज ए रिलेटिव टर्म दैट यू हैव टू कंपेयर विद इट। पाकिस्तान में माजी के मुकाबले में इट इज ग्रोइंग, और पाकिस्तान में जितनी होनी चाहिए थी कंपेयर टू अवर पॉपुलेशन, इट इज स्टिल टू ग्रो। तो देर इज अ बिग पोटेंशियल टू ग्रो। होपफुली इंशाल्लाह हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस इस मुल्क की बेहतर होती हैं, तो जितना मतलब इंशाल्लाह. यहाँ कंज्यूमर जो है वो हाथ में पैसा लिए घूम रहा है कि मुझे बिजली दो मैं पैसा देने को तैयार हूँ, पानी दो मैं पैसा देने को तैयार हूँ, मकान दो मैं पैसा देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे दुनिया में तो लोग एडवर्टाइज करते हैं और खींचते हैं पैसा, तो देर इज अ बिग पोटेंशियल हेयर फॉर ग्रोथ। और स्पेशली सीपेक के बाद वी होप दी बिजनेस एक्टिविटी विल ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अच्छा, दुनिया में क्या, व्हाट इज द फोकस ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू मेटलर्जी? आजकल किस चीज पे रिसर्च हो रही है, किस जगह पे ज्यादा स्कोप है व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड, द इंटरनेशनल वर्ल्ड? बेटे बेटे अब आप दिस इज ए रादर मेनी क्वेश्चंस इन ए सिंगल क्वेश्चन। तो आपके आपके ऑडियंस मेरे ख्याल से, क्योंकि ज्यादातर वो बच्चे हैं जो अपनी कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर किसी का ये सवाल है आगे पढ़ने के लिए कि कहाँ मुझे एडमिशन मिले और स्कॉलरशिप मिल जाए फॉर हायर एजुकेशन, तो ये सवाल है कि आजकल R&D कहाँ हो रही है। और किसी का सवाल अगर ये है कि मुझे मैं अब पढ़ के पढ़ने के बाद नौकरी करना चाहता हूँ तो मुझे नौकरी कहाँ मिल जाए, तो ये फिर R&D का नहीं, फिर ये नौकरी का सवाल है। तो इफ द क्वेश्चन इज अबाउट R&D, लेट अस एड्रेस इट फर्स्ट। अगर R&D का सवाल है तो प्रोबेबली देयर आर मेनी हॉट एरियाज टूडे, और उसमें मेरी सजेशन ये होगी कि जो यानी अगर जाहिर के सबसे बेहतर ये है कैरियर प्लानिंग के हिसाब से कि बच्चे अपनी अपनी जो बैचलर्स डिग्री है वो पाकिस्तान में करें, कि एक बैचलर्स डिग्री जो है उसके लिए फंडिंग बाहर इतने आराम से नहीं मिलती, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती। हाँ, उसके बाद मास्टर्स और PhD की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, और वो जितनी कम उम्र में चले जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत से प्रोफेसर ये देखते हैं कि आपने अपनी बैचलर्स के बाद कितना पीरियड गुजारा है विदाउट एजुकेशन, गैप कितना बड़ा है, और ये कि आपके पास इस वक्त फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, तो कितना गैप आप कम दिन होना रात। चाहिए, जी बेटे, गैप गैप कम होना चाहिए बिटवीन योर बैचलर्स कम एंड होना मास्टर्स चाहिए, प्रोग्राम. गैप जितना कम होगा उतना आपका आपके जी कंटिन्यूटी ज्यादा होगी, और जितना प्रोफेसर अपने अपने उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि वो ये देखते हैं कि बच्चे ने दिन रात लैब में किस तरह लगाएगा, तो जितनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले पढ़ ले उतना बेहतर है। तो उसके लिए बेहतर ये कि यहाँ एडमिशन वहां ले जहां पर कि उसके पास कॉम्बिनेशन है ऑफ प्रोफेसर्स फ्रॉम इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में वक्त गुजार के आए हैं और पढ़ा रहे हैं, और प्रोफेसर्स वो हैं जो कुल जो रिलेटिवली फ्रेश बाहर से PhD करके आए हैं और वो पढ़ा रहे हैं। तो उसको एक तरफ तो उसको सब्जेक्ट की एप्लीकेशन की सेंस होगी फ्रॉम सीनियर्स, सीनियर प्रोफेसर्स, और यंगर प्रोफेसर्स उसको गाइड करेंगे कि जब अभी रिसेंटली करके आए हैं तो दे टेक हिम टू ए रिसर्च प्रोजेक्ट जिसके लिए बाहर फंडिंग मौजूद है, ठीक है ना। तो दिस इज अ बेटर अप्रोच टू गो फॉर R&D। कमिंग टू दी टू द टू द एप्लीकेशन इंडस्ट्री कि जहां पर नौकरियां मिलें, तो पाकिस्तान में हमारे पास वी कीप दी डाटा ऑफ अवर एलमनाई, फॉर एग्जाम्पल एट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी वी कीप द डाटा ऑफ अवर एलमनाई। तो हमारा हर 5वां स्टूडेंट इज इन स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन, हमारा हर 4था स्टूडेंट हैज गॉन टू हायर एजुकेशन अब्रॉड यानी आफ्टर बैचलर्स, और उसके बाद वी हैव पीपल हु हैव जॉब्स इन 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 फॉरेन कंट्रीज, और इन फॉरेन कंट्रीज इन इन 5 out of 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो ये जो और उसकी एक एक जो आसानी है हमारे अब इदारों में आती जा रही है तालीमी इदारों में कि देर इज अ सिस्टम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड विच इज कॉल्ड
आउटकम बेस्ड एजुकेशन ओबीई। अच्छा, ये वो सिस्टम है दिस इज रिटन अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन एकॉर्ड। इसमें जो मेरा मेरी मेरी नॉलेज थोड़ी सी अपडेटेड नहीं है, तो इसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा कंट्रीज हैं जिसके सिग्नेटरीज हैं। नाउ इट मस्ट बी मोर देन दैट। तो उन इसमें ये है कि जो एजुकेशन है वो ये नहीं देखते कि नंबर कितने आए हैं, सिर्फ ये नहीं देखते। वो ट्रांसक्रिप्ट इज अ डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट, और एक ट्रांसक्रिप्ट वो होती है कि इसने उन इसके कोर्स लर्निंग आउटकम्स क्या हैं और प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, और वो चीज ये होती वो चीज बेसिकली उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। उसके क्राइटेरिया ये है कि एक आपका एम्प्लॉयर आप में क्या देखना चाहता है। आपके मार्क्स एम्प्लॉयर के 14th प्रेफरेंस पे आते हैं, वो उससे पहले बहुत सी चीजें देखना चाहता है आपके अंदर। तो कमिंग समराइजिंग ऑल दिस थिंग कि वी आर पार्ट एट IST, वी आर पार्ट ऑफ दिस ओबीई सिस्टम, कि जो यहां से डिग्री लेगा उसको ये 2 ट्रांसक्रिप्ट मिलते हैं, और उसके बाद जो वॉशिंगटन रिकॉर्ड के सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो फिर ये नहीं पूछते कि जी आपकी डिग्री जस्टिफाइड है या नहीं है। एज फार एज इट इज ओबीई सर्टिफाइड डिग्री, तो उस मुल्क में उसको जॉब मिल जाती है। दैट इज ए कन्वीनियंस इन जॉब इन गेटिंग कंट्रीज अब्रॉड। तो आपके जवाब को मैं रिकैप करूं, सो दैट वी कैन नॉट बी वी आर नॉट बीइंग कैरेड अवे, के जॉब की जो जॉब की सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में हमारे डाटा के हिसाब से वो ये है कि 20% ऑफ आवर स्टूडेंट्स, हर पांचवा स्टूडेंट इज गोइंग टू स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, एंड दिस इज अ टॉप नॉच। उसमें हाईटेक रिसर्च है और बहुत ही पर्पजफुल एप्लीकेशन है, पर्पज भी है जाहिर काम करने का। उसके बाद हर फोर्थ स्टूडेंट जो है ही इज गॉन टू हायर एजुकेशन, और दे आर केपेबल ऑफ कम्पीटिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ऑल दीज कंट्रीज जो मैंने आपको मेंशन किए। ऑब्वियसली देर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर एजुकेशन इन पाकिस्तान एज वेल। यहाँ भी तकरीबन तमाम अच्छी यूनिवर्सिटीज में, फिर ये प्राइवेट इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 15% दे आर एंटरप्रेन्योर्स नाउ, उन्होंने अपने बिजनेस खोल लिए हैं। तो एक और चीज तालीम का हिस्सा ये कि तालीम आपको लिमिट कहीं ना करे, वो आपके लिए दरवाजे खोले दरवाजे बंद ना करे। पढ़ने का मकसद ये नहीं है, पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि अगर आपने डिग्री मैकेनिकल में या मेटलर्जी में ली है तो अगर आप मैं केमिकल में काम करने से इनकार कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो तालीम आपको बेसिकली पढ़ना सिखाए और काम को करना सिखाए। इट इज ए लर्निंग प्रोसीजर बट कंटिन्यूस। इस फील्ड में कोई अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है? यूजुअली जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि हाँ किसी कंपनी के साथ आपने काम करना है। हाउ कैन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? बेटे, एक तो है थ्योरेटिकल जवाब, एक है प्रैक्टिकल रियलिटी। प्रैक्टिकल रियलिटी तो हमारे पास अपने एलुमनाई का डाटा है, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों ने तो जाके अपने स्कूल खोले, या उनके स्कूल उनके उनकी फैमिली में कोई बिजनेस था, दे ज्वाइन दैस बिजनेस। मतलब क्लोजेस्ट टू मेटलर्जी फॉर एग्जाम्पल वॉज किसी के सुनार की दुकान थी, ही ज्वाइन दैट। तो जाहिर है कि अब सोने की जो 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 टेस्टिंग है वो भी अब क्रिटिकल है। बाय द वे, पाकिस्तान में ऐसी ओर्स अब निकल रही हैं जहां से प्रेशियस मेटल्स निकल सकते हैं, तो उनकी इनिशियल प्रोसेसिंग उनको इंपोर्ट करने से पहले। तो ऐसी ऐसे बहुत से छोटे छोटे बिजनेस हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो लोग जो हैं वो कंसल्टेंट एज ए कंसल्टेंट आ जाते हैं, बट दिस हैज टू बी आफ्टर आफ्टर सम एक्सपीरियंस एंड सम सर्टिफिकेशन। सिर्फ डिग्री काफी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उनकी रेपुटेशन बिल्डअप हो जाती है, वो प्रोजेक्ट्स लेते हैं मार्केट से, इंडस्ट्री से, और फिर मुख्तलिफ लैब्स हैं पाकिस्तान में, टेस्टिंग वो वहां से कराते हैं, असेसमेंट खुद करते हैं, एंड दे सबमिट द रिपोर्ट। ठीक है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लगता ही है कि ऐसी फील्ड में काम करने के लिए यू नीड टू बी एफिलिएटेड विद अ ह्यूज कंपनी। अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे कि इट्स बेसिकली इंजीनियरिंग, इसमें इंजीनियरिंग का भी एलिमेंट आता है, तो एक सवाल ये है कि इसमें यू हैव टू बी गुड फॉर मैथ इफ यू वांट टू बिकम अ मेटलर्जिस्ट? बेटे, एक बेसिक बेसिक प्रिंसिपल है कि टीचिंग इंजीनियरिंग बिफोर मैथ्स इज पुटिंग ए कार्ट बिफोर द हॉर्स। ओके,
ठीक है अच्छा मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी. यू आर आल्सो अ राइटर. हैव यू रिटन एनीथिंग? बेटे आई एम मतलब राइटर इस सेंस में कि जो टेक्निकल पब्लिकेशंस हैं हमारी, मैंने 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 काफी टाइम R&D में गुजारा है, फील्ड एनालिसिस में गुजारा है, तो जो मेरी वो पब्लिकेशंस है दे आर मोर देन 100, और देन आई एम को ऑथर ऑफ ए बुक, को ऑथर ऑफ चैप्टर्स एंड आई हैव 2 पेटेंट्स। ओके माशाल्लाह. ठीक. तो आपका कोई आपकी फील्ड के बारे में तो माशाल्लाह से यू गिवन अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. करियर काउंसलिंग से मतलब मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रही थी. डू यू थिंक आजकल की यूथ जो है दे आर गेटिंग द गाइडेंस दे शुड बी गेटिंग? बेटे गाइडेंस तो ऐसी है ना कि नथिंग इज परफेक्ट, तो उसमें जितनी भी इनहेंस हो जाए, जितनी भी बेहतर हो जाए, यू आर बेटर। और कैरियर काउंसलिंग बेसिकली क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब जिस चीज का आपको इल्म ना हो वो इल्म वालों से पूछ लो। इंसान अगर मशवरा करेगा तो कभी भी लॉस में नहीं रहेगा। तो जितने जितने अच्छे लोगों से मशवरा करेगा, जितने एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड से मशवरा करेगा, उतना ही इज इन ए बेटर पोजिशन। डेफिनेटली डेफिनेटली. चलें डॉक्टर अंजुम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म. एंड मैं व्यूअर्स को ये बताती चलूं कि डॉक्टर अंजुम जो है ही विल बी अवेलेबल ऑन आवर पैनल. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में या आपको किसी किस्म की काउंसलिंग चाहिए विद रिगार्ड्स टू द फील्ड ऑफ मेटलर्जी, ही विल बी अवेलेबल. ऑल यू नीड टू डू इज लीव अस अ मैसेज. डॉक्टर अंजुम, थैंक यू सो मच. आपके साथ बात करके बहुत मजा आया एंड मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है इस फील्ड के बारे में. इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट दिस फील्ड, दिस प्रोफेशन, दिस इंडस्ट्री. सो इट वॉज वेरी हेल्पफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू बेटे, सॉरी कि इंटरनेट ने थोड़ा सा डिले किया चीजों को, बट इट्स थैंक यू, परफेक्टली इट वॉज अ फाइन. प्लेजर मीटिंग यू एंड अवर ऑडियंस। थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज बेटे।